ये कहानी है आंध्र प्रदेश के दक्षिण गोदावरी जिले के नल्ला जेड़ला मंडल की, जहां की ग्राम पंचायतों ने एक तीर से तीन शिकार किए। उन्होंने अपनी समझदारी से इलाके के प्राकृतिक संसाधनों को अपने लिए लाभकारी बनाया। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे कमाल हो जाते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को साफ कर देती है और वहां आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बदल देती है। कैसे, ये आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी के नल्ला जेड़ला मंडल में देखने को मिला। ये मंडल कई छोटी बड़ी ग्राम पंचायतों का समूह है। अमूमन ग्राम पंचायतों में खेती बाड़ी, पशुपालन आजीविका का साधन होते हैं, लेकिन नल्ला जेड़ला मंडल में बसी पंचायतें थोड़ी अलग हैं। यहाँ औसत से भी कम बारिश होती है। दूर दूर तक सूखी जमीन दिखती थी, आबोहवा शुष्क थी और साफ पानी की भारी कमी थी। गांव में रहने वाले लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कैसे इन प्राकृतिक मुसीबतों से निपटा जाए। प्राकृतिक मुसीबतों का इलाज भी प्रकृति के ही पास था। जब लोगों ने इस बारे में एक दूसरे से बात की, बैठकें की, तो कई तरह की बातें सामने आई, जिनसे पूरे माहौल को नई दिशा मिली। गांव वालों के हाथ एक ऐसी जादू की छड़ी लगी कि जिससे उनकी तीन समस्याएं एक साथ हल हो सकती थी। इस दिशा में पहला चरण था मौजूदा जल संरचनाओं को फिर से जीवन देना। इसका एक तरीका था कि इनमें बारिश का पानी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, और ऐसा ही किया भी गया। इससे न सिर्फ जमीन के नीचे का जलस्तर बढ़ा, बल्कि खेती बाड़ी और पशुओं के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सका। अरुमुनि लंका, अचनापलम, पोटावरम और नल्ला जेड़ला सहित कई पंचायतों ने एक साथ पहल की। सिंचाई विभाग ने अपनी देखरेख में काम शुरू किया। गांव वालों ने इसमें उनका पूरा सहयोग किया। पुराने तालाबों को साफ किया गया, तालाब की गहराई दुरुस्त करने के लिए जरूरी सुधार किए गए, आसपास की जल संरचनाओं को एक दूसरे से जोड़ा गया, जिससे पानी आसानी से एक तालाब से दूसरे तालाब में पहुंच सके। इन कोशिशों ने थोड़ा वक्त तो लगाया, लेकिन अपना रंग दिखाया। पूरे इलाके में जल संरचनाओं का जाल सा बिछ गया। धीरे धीरे नल्ला जेड़ला के गांवों में जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ा और इलाके की पानी की जरूरतें पूरी होने लगी। अगली समस्या थी घरों से निकलने वाले गंदे पानी की व्यवस्था। इसका इलाज भी निकाला गया। सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम को जल संरचनाओं से जोड़ा गया और जमीन के नीचे ड्रेनेज सिस्टम का जाल बिछाया गया। इस ड्रेनेज सिस्टम से ही पानी तालाब तक पहुंचता है, लेकिन तालाब में गंदा पानी आने से दिक्कत कम तो हुई नहीं, बल्कि फैल गई। तालाब के गंदे पानी को साफ करने के लिए गांव वालों ने जुगत लगाई। अगली बारी थी गंदे पानी की सफाई की। इसके लिए कोई मशीन नहीं, बल्कि एक मछली लाई गई। इस मछली को फंगस फिश कहा जाता है। ये मछली गंदे पानी में पनपती हैं। पानी में फैली गंदगी और बदबू को खत्म कर देती हैं। सबसे अच्छी बात यह हुई कि इस मछली से गांव के लोगों को आय का जरिया भी मिल गया। उन्होंने मत्स्य पालन शुरू किया, यानी मछलियों ने तालाब भी साफ किया और लोगों की आजीविका का साधन भी बन गई। मैं
आसपास के गांवों के लगभग 100 तालाबों को हमने अपनाया। हम उनमें नालों के पानी को छोड़ देते थे और फिर हमने उनमें फंगस मछली डाल दी। इन मछलियों ने पानी की दुर्गंध को रोक दिया और साथ ही पानी भी साफ होने लगा। मछलियों को बेचने से हमारी आमदनी भी बढ़ गई। पहले इतनी आमदनी नहीं थी। हम रोज मछली पकड़ते हैं जिससे हमारी आमदनी और भी अच्छी होने लगी। ऐसे जल संरक्षण, मत्स्य पालन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन एक साथ किया जा सका, इस तरह का संयोजन मुश्किल से ही देखने को मिलता है। जिला प्रशासन, वन विभाग, सिंचाई विभाग और पंचायतों के सहयोग से अब नल्ला चेरला मंडल में प्राकृतिक और मानव निर्मित तालाबों को मिलाकर कुल 827 तालाब हैं। इनकी वजह से भूजल स्तर बढ़ा, गांव के लोगों को साफ पानी मिला, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिला, किसान आधुनिक सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप और स्प्रिंग इरिगेशन के जरिए पानी का सही इस्तेमाल करने लगे। इन किसानों को मछली पालन से आय का जरिया भी मिल सका। सबसे ज्यादा 91 तालाब अरुमुनि लंका ग्राम पंचायत में हैं। इस अनूठी पहल ने यहाँ की आबो हवा बदल दी है। पूरा इलाका पहले से ज्यादा हरा भरा और खूबसूरत दिखने लगा है। इसका सबूत है यहाँ पक्षियों की चहचहाहट, जिन्हें मानो नया ठिकाना मिल गया हो। सारे जल संसाधनों के आसपास टहलने के लिए ट्रैक बनाए गए हैं, जहां सुबह शाम टहलने आने वाले गांव के लोगों को सुंदर वातावरण और बेहतर जलवायु की वजह से स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। शाम के समय लोग तालाब के किनारे ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि इन इलाकों की खूबसूरती भी बरकरार रहे। इन सारी उपलब्धियों की वजह से राज्य सरकार ने नल्ला चेरला को स्मार्ट मंडल घोषित किया है, और क्यों न किया जाए। इस मंडल ने एक साथ अपनी कई समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया है।